सो गाइस द वेट इज फाइनली ओवर। आई नो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो काफी ज्यादा लेट आई है, बट समझा करो लैन मल्टीप्लेयर गेम्स को ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना कि तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड। सारी उम्र मैं जोकर, बट बिलीव मी आज के एपिसोड में तुम्हें ऐसे गेम बताऊंगा जिन्हें खेल के तुम्हें मजा आएगा। सो हेलो एवरीवन, इट्स मी मनीष, आपका दोस्त, आपका होस्ट, जो कि आज आपको बताएगा 5 ऐसे हिडन ऑफलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स जिन्हें की प्ले स्टोर ने तुमसे छुपा के रखा है। क्या बात कर रहा है, सच कह रहा हूँ। तो आज उन गेम्स को प्ले स्टोर से बाहर निकालेंगे एंड ये सभी गेम्स तुम्हारे पुराने फर्टीचर स्मार्टफोन के अंदर चलेंगे, सो डोंट वरी। अबे साले, सीरीज में आने वाले कुछ गेम्स के अंदर आपको वॉइस चैट का फीचर भी देखने को मिलेगा, सो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। तो गाइस तुम लोग कमेंट करके बता देना कि तुम्हारे फोन में कितने GB रैम है, ताकि मैं तुम्हारे फोन के हिसाब से वीडियोस बना पाऊँ। सो आप लोग कमेंट कर देना। तो यहाँ पर से हम लोग अपनी वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं सीरीज में आने वाले नंबर 1 ऑफलाइन मल्टीप्लेयर गेम की। तो गाइस हमारी सीरीज में आने वाला नंबर 1 गेम है कार्नेज वॉर्स। वैसे तो ये वाला गेम 2021 के अंदर लॉन्च हुआ है, लेकिन इस साल गेम के अंदर जो न्यू अपडेट आया है वहां से इस गेम की फैन फॉलोइंग थोड़ी बहुत बढ़ चुकी है, एंड उससे पहले इस गेम के बारे में कोई भी नहीं जानता था। क्या बात कर रहे हैं। सो बेसिकली ये एक मल्टीप्लेयर शूटिंग गेम है जिसे कि आप लोग सिंगल प्लेयर खेल सकते हो। यहाँ पर आपको फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन शूटिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। इस गेम के अंदर असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल, शॉटगन जैसी डिफरेंट वेपन्स होंगी जिनका इस्तेमाल आप लोग बैटलफील्ड के अंदर कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑफलाइन मल्टीप्लेयर के साथ में ऑनलाइन मल्टीप्लेयर का भी सपोर्ट मिल जाएगा, वो भी वॉइस चैट फीचर के साथ में। इस गेम को लैन मल्टीप्लेयर कैसे कनेक्ट करना है उसके लिए आप लोग को ट्यूटोरियल वीडियो देखना पड़ेगा। गेम के अंदर आपको कार्स, ATV, टैंक्स एंड हेलीकॉप्टर देखने को मिलेंगे जिनका इस्तेमाल कि आप लोग अपने दुश्मनों की चटनी बना सकते हो, एंड आप लोग ने अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग ग्राफिक्स क्वालिटी को एडजस्ट कर लेना। बाकी आप लोग कस्टम HUD को भी कस्टमाइज कर पाओगे एंड अपनी सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। 233 MB इस गेम का साइज होगा एंड ये गेम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड के अंदर चल जाता है। सो गाइस बढ़ा जाए अपनी सीरीज के अंदर आगे एंड बात करते हैं वीडियो में आने वाले नंबर 2 गेम की। सो गाइस हमारी सीरीज में आने वाला सेकंड गेम है बॉम्ब स्क्वाड। ये वाला गेम 2014 के अंदर लॉन्च हुआ है एंड आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट ऑफलाइन मल्टीप्लेयर गेम है तुम्हारे मोबाइल डिवाइस के लिए। सो बेसिकली ये एक कॉम्पिटिटिव मल्टीप्लेयर गेम है जो कि तुम्हें प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा। जितना तुम्हारा वेट नहीं है उससे कम तो इस गेम का साइज है। अबे साले। सो गाइस आप लोग लोकल वाईफाई के थ्रू इस गेम को अपने 8 दोस्तों के साथ में मल्टीप्लेयर खेल सकते हो। यहाँ पर आपके पास में कैप्चर द फ्लैग, किंग ऑफ द हिल एंड बॉम्बर हॉकी जैसे डिफरेंट गेम प्ले मोड होंगे। इनफैक्ट काफी सारे मिनी गेम्स भी होंगे जिन्हें कि आप लोग दोस्तों के साथ में खेल पाओगे। देवा, आज पीने का बंदोबस्त हो गया। ये एक आर्केड स्टाइल का पार्टी गेम है जिसके अंदर आपका मेन एस्पेक्ट होगा अपने दोस्तों को डिस्ट्रॉय करना। गेम के कंट्रोल्स इजी होंगे, ग्राफिक्स क्वालिटी भी काफी अच्छी होगी। 61 MB का ये वाला गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है, तो आप लोग इस वाले गेम को ट्राई कर सकते हो, गेम काफी बढ़िया है। बाय द वे गाइस, अगर आपको कोऑप मल्टीप्लेयर गेम्स खेलना पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को जाकर देख सकते हो जो कि मैंने आजकल में ही अपलोड करी थी। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बढ़ा जाए अपनी वीडियो के अंदर आगे एंड बात करते हैं सीरीज में आने वाले नंबर 3 गेम की। तो गाइस हमारी सीरीज में आने वाला थर्ड गेम है रिकरेंस कोऑप। ये वाला गेम 2023 के अंदर लॉन्च हुआ है एंड ये एक टैक्टिकल शूटिंग गेम है जिसके अंदर आपको रियलिस्टिक फिजिक्स देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लो कि आपको इस गेम के अंदर करना क्या है। तो इस गेम के अंदर आपको अलग अलग लोकेशंस पर जाकर हॉस्टेजेस को बचाना होगा। होता ये है कि किसी भी नॉर्मल घर के ऊपर टेररिस्ट का अटैक हो जाता है एंड वो पूरे घर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो आप एज अ सोल्जर जिसका काम है अपनी टीम को उस लोकेशन पर लेकर जाना, अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाना, सभी टेररिस्ट को मारना ताकि आप लोग उस घर में रहने वाले फैमिली को बचा सको। यहाँ पर आपको लैन मल्टीप्लेयर का सपोर्ट मिल जाएगा एंड आप लोग अपने दोस्तों के साथ में कोऑपरेटिव मिशंस को कंप्लीट कर सकते हो। एंड उसके अलावा काफी सारे चैलेंजेस भी होंगे कंप्लीट करने के लिए। ग्राफिक्स क्वालिटी आप लोग को टॉप नॉच देखने को मिलेगी एंड इस गेम में सभी तरह के छोटे बड़े वेपन्स भी अवेलेबल होंगे। 600 MB के अराउंड इस वाले गेम का साइज होगा एंड ये गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है। तो गाइस अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया एंड आप लोगों को ये वाली सीरीज पसंद आ रही है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज यहाँ पर आपको ऐसी कमाल की वीडियोस हमेशा देखने को मिलती रहेगी। सो आप लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बढ़ा जाए अपनी सीरीज के अंदर आगे एंड बात करते हैं वीडियो में आने वाले नंबर 4 गेम की। सो गाइस हमारी सीरीज में आने वाला 4th गेम है रश रैली 3। सो गाइस ये एक कॉम्पिटिटिव मल्टीप्लेयर रेसिंग गेम है। वैसे तो ये गेम आप लोग को खरीदना पड़ेगा, लेकिन प्ले स्टोर के ऊपर इस वाले गेम का डेमो वर्जन अवेलेबल है जो कि एकदम फ्री में अवेलेबल है, तो आप लोग उसे ही जाकर ट्राई कर लेना।
ओके। डेमो वर्जन के अंदर भी आप लोग को कमाल की विजुअल क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। आप इस गेम को अपने दोस्तों के साथ में मल्टीप्लेयर खेल सकते हो वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू। गेम के अंदर आपको कैरियर मोड देखने को मिल जाएगा जिसमें 70 प्लस मिशन होंगे जिन्हें की आपको कम्प्लीट करना होगा। आपके लो एंड डिवाइस में ये गेम आपको 60 FPS तक प्रोवाइड करवा देगा जिससे की आपका गेम प्ले काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास में सभी तरह की छोटी बड़ी स्पोर्ट्स कार होंगी जिन्हें की आप लोग कस्टमाइज और ट्यूनिंग कर सकते हो। दोस्तों के साथ में मल्टीप्लेयर रेसिंग करना और अपनी कार को अलग अलग कैमरा एंगल के साथ में ड्राइव करना, ये सारी की सारी चीजें भी आप लोग कर पाओगे। 148 MB इस गेम का साइज होगा एंड ये वाला गेम भी कम्प्लीटली ऑफलाइन है, तो गेम काफी बढ़िया, आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो। बढ़ा जाए अपनी सीरीज के अंदर आगे एंड बात करते हैं वीडियो में आने वाले नंबर 5 गेम की। तो गाइस हमारी सीरीज में आने वाला पांचवा और आखिरी गेम है मैक्सिमस 2। ये वाला गेम 2022 के अंदर लॉन्च हुआ है एंड ये एक काफी कमाल का एक्शन एडवेंचर गेम है। सीरीज में आने वाले सभी गेम्स की तरह आप लोग को यहाँ पर भी को ऊप मल्टीप्लेयर का सपोर्ट मिल जाएगा। बेसिकली इस गेम के अंदर ने स्टोरी लाइन भी है जो की 80s के टाइम पीरियड पर सेट है। आप इस एडवेंचर से भरी हुई जर्नी पर अपने चार दोस्तों के साथ में जा सकते हो। यहाँ पर आपके पास में डिफरेंट कैरेक्टर होंगे एंड सभी का जो रोल है वो भी डिफरेंट होगा, तो आप लोग किसी का भी रोल प्ले कर सकते हो। मैक्सिमस 2 ना एक फैंटेसी स्टाइल का एक्शन गेम जिसके अंदर आपको अलग अलग बॉसेस से फाइट करनी होगी। अगर तुम्हारे पास में ब्लूटूथ कंट्रोलर है तो अच्छी बात है बिकॉज यहाँ पर आप लोग को कंट्रोलर का भी सपोर्ट मिल जाएगा। एनिमीज को मारने के लिए आपके पास में अलग अलग तलवार होंगी और काफी सारी मैजिकल पावर्स होंगी। 162 MB इस गेम का साइज होगा एंड आप इसे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड के अंदर खेल सकते हो। इस गेम को जीतने के लिए आपको एंड आपके दोस्तों को टीम वर्क दिखाना होगा। ओवरऑल ये वाला गेम काफी बढ़िया है, तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पर मैंने आप लोगों को पांचों के पांच ऑफलाइन मल्टीप्लेयर गेम बता दिए। टाइम आ चुका है इस वाली सीरीज को यहीं पर एंड करने का, तो अगर आप लोग को वीडियो बनाने के एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो आप लोग जाकर वीडियो को लाइक कर दो। फ्यूचर में ऐसी कमाल की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अगर आप लोग को ऊप मल्टीप्लेयर गेम्स के ऊपर एक ऑनलाइन वाली वीडियो चाहिए तो आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करना। एंड अगर आप लोग को 2024 में लॉन्च हुए टॉप 10 ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करना। मैं आप लोगों से वहीं पर मिलूंगा, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।